नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हो, आज मैं आया हूं दोस्तों कोमाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल के शोरूम में। इनके शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो आइए चलते हैं शोरूम के अंदर। दोस्तों मैं आ चुका हूं शोरूम के अंदर और आप देख रहे हैं कोमाकी कंपनी का इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक क्रूजर बाइक, जिसका नाम रखा गया है रेंजर। और इस बाइक में दोस्तों आपको 4000 वाट का BLDC मोटर मिलता है, जिससे आप इस बाइक को 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इस बाइक को क्रूज कर पाएंगे। तो आइए आज के वीडियो में आप इस बाइक के सभी फीचर्स के बारे में जानोगे, साथ ही इस बाइक के बैटरी, चार्जर, मोटर और कंट्रोलर में आपको क्या गारंटी और वारंटी मिलता है इसकी भी जानकारी मिलेगी। और अगर आप इस बाइक को फाइनेंस करा के लेना चाहते हैं तो आप किस बैंक से इसे फाइनेंस करा सकते हैं इसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। कोमाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको इस बाइक के अलावा काफी सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी बहुत सारे मॉडल मिलते हैं, तो इनके बारे में हम किसी और वीडियो में जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम दोस्तों सबसे पहले इस बाइक के ऊपर एक नजर डालते हैं और साथ ही इसके सभी फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत इस बाइक के फ्रंट लुक से करते हैं। बाइक में आपको काफी बड़े से साइज का विंड स्क्रीन लगा होता है और जब आप इस बाइक को राइड कर रहे होते हैं तो आपको ये कुछ इस तरह का नजर आएगा। और इसके हेडलैम्प पे नजर डाले तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको कंप्लीट क्रोम फिनिश में काफी प्रीमियम लुक के साथ इसका फुली LED हेडलैम्प मिलता है। हेडलैम्प में आपको LED मिलता है और इसके दोनों साइड में जो एडिशनल आपको हेडलैम्प दिया गया उसमें आपको नॉर्मल बल्ब लगा हुआ मिलता है। जब आप हेडलैम्प स्विच को ऑन करते हैं तो इसका एडिशनल हेडलैम्प ऑन हो जाता है। इसके बाद मेन हेडलैम्प का LED लो बीम स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आप इसे हाई बीम कर सकते हैं और साथ ही इसमें आप पास स्विच का काम भी ले सकते हैं। और इस बाइक के फ्रंट टेलीस्कोपिक फॉर्क पे भी आपको क्रोम मिलता है, जो देखने में आपको काफी प्रीमियम सा नजर आएगा। और इस फॉर्क के ऊपर आपको इस बाइक का प्लास्टिक फाइबर मटेरियल का फ्रंट का मडगार्ड मिलता है और काफी स्पोर्टी सा दिखने वाला 17 इंच का ब्लैक फिनिश में अलॉय व्हील मिलता है। और इस अलॉय व्हील में आपको 110/80 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर मिलता है। साथ ही बाइक के फ्रंट ब्रेक में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। बाइक के हैंडल बार में आपको काफी सारे स्विचेस मिलते हैं और इसका हैंडल बार आपको किसी क्रूजर बाइक की तरह मिलता है। और इसके कंसोल में आपको राउंड शेप में फुली डिजिटल कंसोल मिलता है। सेंटर में आप किलोमीटर पर आवर, उसके ठीक नीचे ऑडोमीटर, उसके ठीक नीचे बैटरी लेवल और बैटरी वोल्टेज आप देख पाएंगे। और किलोमीटर पर आवर के ठीक बगल में आपको गियर मोड मिलता है और साथ ही इसमें आप काफी सारे इंडिकेटर्स भी देख पाएंगे। बार में आपको हजार्ड स्विच, हेडलैम्प, हाई बीम, लो बीम स्विच, टर्न सिग्नल, इंडिकेटर स्विच और उसके ठीक नीचे आपको हॉर्न और स्पोर्ट्स मोड मिलता है। इसी के ठीक बगल में आपको मोबाइल चार्जिंग पोर्ट मिलता है, जिसमें आप अपने मोबाइल को कनेक्ट करके की को ऑन करेंगे तो ये आपके मोबाइल को चार्ज करना चालू कर देता है। साथ ही बाइक में आपको प्लास्टिक फाइबर मटेरियल का दो एग्जॉस्ट मिलता है, जिसमें स्पीकर लगाया गया है। और इसे यूज करने के लिए आपको लेफ्ट साइड के हैंडल बार में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलता है, जिसे आप अपने एंड्रॉइड फोन से कनेक्ट करके इस स्पीकर में गाने भी सुन सकते हैं। और बाइक के राइट साइड के हैंडल बार में आपको गियर मोड, हेडलैम्प ऑन ऑफ स्विच, क्रूज कंट्रोल और रिवर्स बटन आपको मिलता है। बाइक में टैंक आपको मेटल का मिलता है और काफी प्रीमियम लुक क्रोम फिनिश में कोमाकी आपको इसके ऊपर लिखा हुआ नजर आएगा। और इस टैंक के ठीक नीचे इस बाइक का आपको बैटरी नजर आएगा, जिसमें आपको 72 वोल्ट 50 AH का लिथियम आयन बैटरी मिलता है, जिससे आपको इस बाइक में 140 से 180 किलोमीटर का रेंज मिल पाता है। बाइक में आपको पिलियन बैकरेस्ट के साथ काफी क्लासिक लुक में टू पीस में काफी कंफर्टेबल सीट मिलता है। बाइक के फ्रंट राइडर सीट को आप ओपन कर सकते हैं, जिसके नीचे आपको थोड़ी सी जगह दी गई है जिसमें आप अपने बाइक का डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। साथ ही आपको इस बाइक में बॉडी कलर में दो साइड लगेज बॉक्स भी मिलता है। आपको इस बाइक में टेल लाइट और इसका टर्न सिग्नल लैंप दोनों में आपको नॉर्मल बल्ब मिलता है। साथ ही टेल लैंप के ठीक सामने आपको कंपनी फिटेड टेल लैंप गार्ड भी लगा हुआ मिलता है। बाइक के रियर सस्पेंशन में आपको क्रोम फिनिश में स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन मिलता है और रियर के 17 इंच के अलॉय व्हील में आपको 4000 वाट का BLDC हब मोटर मिलता है, जिससे आपको इस बाइक में 70 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड मिल पाता है। और रियर व्हील में आपको 140/70 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर मिलता है और इसके रियर ब्रेक में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। इस बाइक में आपको रियर व्यू मिरर ब्लैक फिनिश में मिलता है और साथ ही काफी मजबूत सा क्रोम फिनिश में लेग गार्ड मिलता है। राइडर के लिए बाइक में आपको काफी बड़े से साइज का फुटरेस्ट मिलता है और आपके सेफ्टी के लिए इस बाइक में साइड स्टैंड सेंसर भी लगा है। इसका फायदा है कि अगर बाइक में साइड स्टैंड लगा है और की ऑन है और अगर आप थ्रॉटल देते भी हैं तो ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है। और बाइक के सेफ्टी के लिए आपको इस बाइक में एंटी थेफ्ट स्मार्ट लॉक सिस्टम मिलता है। और अब हम दोस्तों इस बाइक में मिलने वाले इसके बैटरी,
चार्जर, मोटर और कंट्रोलर में जो आपको गारंटी और वारंटी मिलता है इसके बारे में जानते हैं। इस बाइक के बैटरी में आपको 72 वोल्ट 50 एच का लिथियम आयन बैटरी मिलता है, जिसमें आपको कंपनी की तरफ से 2 साल का गारंटी प्लस 1 साल का वारंटी मिलता है। और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए इसके साथ आपको 84 वोल्ट 10 एम्पीयर का आउटपुट देने वाला चार्जर मिलता है, और चार्जर पे आपको कंपनी की तरफ से 1 साल का गारंटी मिलता है। बाइक के मोटर में आपको 4000 वॉट का BLDC हब मोटर मिलता है, और इस मोटर में भी आपको कंपनी की तरफ से 1 साल का गारंटी मिलता है। और इस बाइक में आपको 80 एम्पीयर का हाई एफिशिएंसी कंट्रोलर मिलता है, और इस कंट्रोलर में भी आपको कंपनी की तरफ से 1 साल का गारंटी मिलता है। और अब हम दोस्तों चलते हैं इस बाइक को लेके टेस्ट राइड पे। अभी मैं दोस्तों इस बाइक को फर्स्ट गियर में चला रहा हूँ, और इस बाइक में मुझे फर्स्ट गियर में 42 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड मिल पा रहा था। सेकंड गियर में इस बाइक में मुझे 55 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड मिलता है, और इस बाइक के थर्ड गियर में मुझे इस बाइक में 65 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड मिलता है। और जैसे ही दोस्तों मैंने इस बाइक के लेफ्ट साइड के हैंडल बार के स्पोर्ट्स मोड को ऑन करता हूं, तो आप जैसा कि इस डिस्प्ले में देख पाएंगे कि अब मुझे इस बाइक में 70 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड मिल रहा था। इस बाइक में मुझे एक चीज जो बहुत ही खास लगा, जो आपको इसमें 4000 वाट का BLDC मोटर मिलता है, इस मोटर से आपको इस बाइक में वाकई में बहुत ही जबरदस्त पिकअप मिलता है, जिससे आपको वाकई में महसूस होता है कि आप किसी एक क्रूजर इलेक्ट्रिक बाइक को राइड कर रहे हैं। और 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में इस बाइक में आपको काफी अच्छा रोड ग्रिप भी मिलता है। बाइक को राइड करते समय आपको इस बाइक का सीटिंग पोस्चर बहुत ही अच्छा लगेगा, और उससे भी ज्यादा अच्छा लगेगा आपको इस बाइक का सीट जो वाकई में बहुत ही कंफर्टेबल बनाया गया है। सस्पेंशन की बात करें तो इस बाइक का फ्रंट और रियर सस्पेंशन वाकई में काफी अच्छा है, और 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में इस बाइक में जो आपको इसका फ्रंट और रियर दोनों में जो आपको डिस्क ब्रेक दिया गया है वो काफी अच्छी तरह काम करता है। और एक बात जो मैं आप सबसे बताना चाहूंगा कि स्कूटर की तरह ही इस बाइक में आपको इसका फ्रंट और रियर दोनों ही ब्रेक आपको हैंडल बार में मिलता है। आज मुझे इस बाइक को राइड करके वाकई में बहुत ही मजा आया। अगर आप भी कोई इलेक्ट्रिक बाइक लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप एक बार कोमाकी रेंजर इस बाइक का टेस्ट राइड जरूर लें, क्योंकि अगर आप भी इस बाइक का एक बार टेस्ट राइड लेंगे तो मेरा मानना है कि आपको भी ये बाइक राइड करने के बाद बहुत ही पसंद आएगा। अगर आप दोस्तों जमशेदपुर के आसपास और इस बाइक का टेस्ट राइड इसे परचेज करना चाहते हैं एक अच्छे ऑफर में, तो आपको कोमाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल के शोरूम में जरूर आना चाहिए। इनका शोरूम का एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और आपको ये बाइक पसंद है और आप इसे लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जमशेदपुर में इस बाइक का एक शोरूम प्राइस है 1,69,800 रुपीज। और इस बाइक में आपको 3 कलर ऑप्शन मिलता है आपके स्क्रीन पे। आप जो कलर देख रहे हैं ये है इसका डीप ब्लू कलर, इसमें आपको दूसरा कलर मिलता है जेट ब्लैक कलर, और तीसरा कलर मिलता है रेड कलर। दोस्तों अगर आप इस बाइक को फाइनेंस में लेना चाहते हैं तो आपके लिए इस शोरूम में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप इस बाइक को पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक से फाइनेंस करा सकते हैं। फाइनेंस के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और इस वीडियो के अंत में दोस्तों आप सबसे बोलना चाहूंगा, आप लोगों को वीडियो पसंद तो आता है मगर आप कंजूसी करते हैं लाइक करने में, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के और नए वीडियो आप तक पहुंच सके।